आज मैं आ चुका हूँ फिर से गर्ल्स ओनली सर्वर में और आज मैं लूंगा रिवेंज क्योंकि पिछली वीडियो में एच के फ्रोश ने मेरी गर्लफ्रेंड चुरा ली थी और मुझे धोखा दिया था। बट आज मैं सच बताता हूँ उस निधि का कि वो कितनी बुरी है और बदला लेता हूँ और कैसे बदला लेता हूँ जानने के लिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको मैजिक दिखाना चाहता हूँ, वो भी सब्सक्राइब के बटन का। सब्सक्राइब का बटन दबा कर देखो, उसका कलर चेंज होता है। और हाँ, इस वीडियो का एम है 300 लाइक्स, जो आप जरूर करवा सकते हो। 1 लाइक इक्वल टू आपका पे माइनक्राफ्ट के लिए, तो माइनक्राफ्ट के लिए 1 लाइक कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं फाइनली आ चुका हूँ गर्ल्स ओनली सर्वर में और पिछली बारी वीडियो में यार उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था एच के फरोश ने। मुझे आज उससे बहुत तगड़ा बदला लेना है और साथ ही साथ मेरे को बदला लेना है उस निधि से। तो भाई साहब मैं चलता हूँ यार, उस एरिया में ही होंगे। भाई मेरे को बहुत ज्यादा रुला दिया था उस निधि ने। भाई आज के फरोश को मुझे दिखाने मतलब बताना पड़ेगा कि वो बहुत ज्यादा गलत लड़की है। तो मैं चलता हूँ उसके पास। चलो तो भाई कहाँ है दोनों भाई साहब, दिख ही नहीं रहे यार मेरे को, ये कहाँ गए? अरे ये इस घर में भी नहीं है, शायद उस घर में होंगे। अच्छा वो हाँ वही बैठे, वही बैठे हैं निधि और आज के फरोश भाई साथ में बैठे हैं यार। मैं आवाज मारता हूँ, अगर डायरेक्ट मतलब नॉक करके नहीं किया तो शायद गलत सीन हो सकता है। गाइस निधि से पूछते हैं उसको मूवी कैसी लगी, तो निधि बताओ तुम्हें मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत अच्छी थी। है ना, अच्छी थी ना, मेरे साथ देख के कैसी लगी? और तुम्हारे साथ तो मूवी मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आया मूवी देख के। हेलो निधि, अरे ये पगला टैग कहाँ से आ गया? चलो आओ देखते हैं क्या। हाँ चलो इसको देखते हैं, ये क्यों आया यहाँ पे फिर से आ गया, मैंने इसे इतना समझाया था। अरे पगला टैग कैसा ब्रो? ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो? तू निधि इसके साथ क्यों है यार, तू मेरे साथ थी। बेटर है तुमसे बहुत ज्यादा, ये क्या है क्या तुम्हारे पास जैसे चिल्ला रहे हो? रुको रुको मैं बात करता हूँ। पगला टैग कैसा है दोस्त? मैं अच्छा हूँ, तू मैं गंदा हूँ, सॉरी मैं गंदा हूँ बहुत ज्यादा। तू इसके साथ क्यूँ? मुझे निधि से बात करनी है। निधि निधि मुझे एक सेकंड इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जाओ जाओ बात कर लो इसे, कुछ नहीं करेगा ये। क्या बात करनी है? मैं बहुत कुछ कर दूंगा। मैंने तुम्हें आईफोन 13 दिलाया था, तुम्हें मेकअप का सारा सामान दिलाया था, तुम ऐसा करोगे मेरे साथ? तुम मेरे साथ ब्रेकअप कैसे कर सकती हो? तो उन सबसे क्या होता है, वो सब तो मैंने यूज करके फेंक दिया। आईफोन 13 क्या बात कर रहे हो, वो तो कचरा है एकदम। इसने पता है मुझे आईफोन 14 दिलाया है, वो भी प्रो मैक्स। इतने पैसे कब से आए तेरे पास इसके फ्रोश? भाई बस तू तो बात नहीं करता था मेरे से, इतने दिन बाद बात करी तूने। किडनी बेची क्या अपनी तूने? नहीं नहीं नहीं, मेरे नई जॉब लगी थी ब्रो। मुझे गलत लग रहा है, तुमने जो भी करा गलत करा, मुझे इतना ज्यादा मारा तुम दोनों ने। नहीं हमने बिल्कुल सही किया है, ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारे साथ। तुम दोनों को बिल्कुल नहीं लग रहा कि मेरे साथ गलत हुआ? नहीं। हाँ देख तेरे साथ गलत हुआ, बट ये भी तो देख उसको अब नहीं करना तेरे साथ, तो मैं क्या करूँ? मैं एच के फ्रोश के साथ ही रहूंगी। मैं मुझे कुछ तुझसे पर्सनल बात करनी है। निधि निधि नहीं आएगी बिल्कुल भी। अरे अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं इससे बात करके आता हूँ। ठीक है मैं वेट कर रही हूँ अंदर। हाँ मैं आता हूँ, जल्दी आना। ठीक है ठीक है। ऐसा क्या घोल पिलाया इसको जो तेरे साइड हो गई है ऐसे? भाई मुझे नहीं पता। भाई देख तूने मेरे को कहा उससे बात करने को, अब मुझे पसंद आ गई तो मैं क्या करूँ, बताना यार। भाई देख मैं तेरे को एक सच्चाई बताना चाहूंगा तेरे को इसके बारे में। वही खड़ी दरवाजे पे खड़ी, थोड़ा साइड पे आ जा, थोड़ा साइड पे आ जा, दरवाजे पे खड़ी, अगर बात सुन लेगे तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ मुझे तो एक और बात बतानी है कि मैंने इसके पास्ट के बारे में और जाना, मैंने ये जाना कि और लड़कों के साथ ही ऐसी चीजें कर चुकी है। ठीक है ये लड़की है सिर्फ मनी माइंडेड है, मैं तेको प्रूफ कर सकता हूँ, पूरा का पूरा प्रूफ दे सकता हूँ मैं तेरे को। ये भाई ऐसे मत बोल यार, अब देख तू ऐसे बोलेगा मतलब उसने तेरे को छोड़ दिया तो। और अगर उसने मनी माइंडेड निकली तो फिर क्या करेगा तू? नहीं निकली तो पता क्या करेगा, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा चला जाऊंगा। अब तू बता। नहीं नहीं अगर नहीं निकली तो तू इस सब के बारे में भूल जाएगा। ठीक है चल ठीक है डन, अगर निकली तो तू क्या करेगा ये बताना। निकली तो फिर मैं तेरी मदद करूंगा। पक्का ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे नाम से आता हूँ मैं और इसके पास जाऊंगा मैं और सारी, और तू छुप छुप के हमें देखेगा। ठीक है अच्छा चल ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा मुझे कुछ काम है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तू जा, मैं दूसरे नाम से आता हूँ, बाय। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय। तो भाई साहब मेरी इससे बात हो चुकी है, डील डन हो चुकी है कि इसका पर्दाफाश करना है, वो भी उस गंदी लड़की का निधि का। भाई बहुत ज्यादा, भाई मेरे से आईफोन 13 बोल रही है कि वो कचरा है। भाई कैसी लड़की है यार ये, ऐसा कोई बोलता है क्या यार? भाई मुझे सच में लिटरली इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना इस पे, मैं आता हूँ फटाफट से दूसरे नाम से, तुम देखो क्या करता हूँ मैं। Few moments later. तो मैं आ चुका हूँ मिस्टर रिच के नाम से, वो भाई अभी तीन जने खेल रहे हैं एच के फरोश, मिस्टर रिच और निधि। मैं जल्दी से अब एच के फरोश के पास चलता हूँ और वो पता नहीं मेरे को पहचानेगा नहीं पहचानेगा, आवाज से तो पहचान लेगा। वो रो, मिल गया मिल गया मिल गया। अरे कहाँ रह गया पगला टैग, कब आएगा? हेलो। अरे भाई आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? आप पगला टैग को जानते हो? हाँ जानता हूँ, क्या हुआ? मेरी वो किडनी छीन के भाग गया था, मुझे उसका पता लेना है कि कहाँ है वो।
अरे यार ये पगला टेक ने ये सब काम चालू कर दिया, मैं क्या करूँ इसका। मेरे को बताओगे प्लीज? मुझे लग रहा है कि पगला टेक आपका दोस्त है। नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मतलब कि वो ऐसा काम नहीं करता वैसे तो, बट कुछ भरोसा भी नहीं चालू कर दिया हो तो। अबे तू पगला टेक मैं यू भूल गया। अरे अरे अच्छा अच्छा भाई तू तो पहचान भी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। देख रहा देख रहा देख रहा देख रहा हैंडसम तो हूँ मैं बचपन से हैंडसम हूँ मैं। मार अच्छा 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 सॉरी सॉरी ये देख भाई मैं बहुत सारे पैसे ले आया भाई मैं। एक काम करते बस खाना वाना है थोड़ा? हाँ है ना, ले 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 दे 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 मैं थोड़ा बहुत तेरे को पैसा दे तो तू भी रख तू भी मेरा दोस्त है ना अमीर। अरे 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 इतना पैसा कहाँ से लेकर आया बे? अरे तुझे नहीं पता तो भाई उसका पर्दाफाश करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। पैसे भाई बहुत सारे ले आया हूँ मैं तो। एक काम करो तू वहाँ पे छुप जाइयो वहाँ पे उस कोने पे जहाँ पे मैं पिछली बार छुपा था। तू ध्यान से हमें देखता रहियो ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छे से करियो, कुछ ज्यादा मत करियो। ज्यादा ना करूँ क्या? ना ज्यादा करूँ भाई मतलब ढंग से करियो यार अच्छे से। मतलब तू हो सकता है गलत साबित हो सकता है। मैं हमेशा सही होता हूँ। अबे तो जाएगा। ठीक है मैं जा रहा हूँ बुलाना। जा रहा हूँ ना, चुप रहा एक मिनट तू। हेलो कोई है? हेलो लगता है कोई आया है, मैं बाहर जाके देखती हूँ। कोई है ये शायद निधि का घर है, बाहर लगा हुआ है निधि का घर। हेलो मैडम। मैं मिस्टर रिच हूँ। हेलो एक्चुअली मैं यहाँ से जा रहा था, यहाँ पे मैं गया था गूगल की मीटिंग में, बट यहाँ पे आसपास कोई होटल वोटल मेरे को कहीं दिखा नहीं, तो क्या मैं यहाँ पे थोड़ी देर के रुक सकता हूँ? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। आसपास होटल होता तो मैं खरीद लेता बस। अच्छा हाँ प्लीज समझो। ठीक है आ जाइए अंदर। ओ थैंक यू। तो मैं दरवाजा बंद कर दूँ? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ठीक है आ जाइए बैठिए। तो यहाँ पे बैठ जाऊँ मैं? ओ थैंक यू सो मच। नाइस सोफा, आपका तो घर बहुत अच्छा है जी। आपको पता है मैं अभी गूगल की मीटिंग गया, इतना ज्यादा उन्होंने प्रेशर डाल दिया मेरे ऊपर कि ये काम करना है वो काम करना है, बट हाँ डील भी बहुत तगड़ी थी। उन्होंने मेरे को 1 मिलियन डॉलर की डील दी। यस मैं गूगल में काम करता हूँ। मेरे को उन्होंने 1 मिलियन डॉलर की डील दी, उन्होंने मेरे को कैश कर दिया पूरा लिटरली। अभी मैं कैश लेके घूम रहा हूँ तो मुझे डर भी लग रहा है आसपास के ऐसे कोई चोर वोर ना आ जाए, तो इसलिए मैं आपके यहाँ पे आ गया कि सेफ बंदा होना चाहिए, तो मुझे आप सेफ लग रहे हो थोड़े। तो थोड़ी देर यहाँ पे मैं आराम करता हूँ फिर यहाँ से चला जाता हूँ मैं। बिल्कुल बैठ जाइए। एक चीज पूछनी है मुझे आपसे, आप काफी सुंदर हो। थैंक यू। तो आप वैसे, मैं ऐसे कुछ पर्सनल चीज पूछना चाहता हूँ, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, माइंड मत करना, पूछ सकता हूँ ना मैं? पूछो। क्या आप सिंगल हो या फिर क्या हो? हाँ मैं सिंगल हूँ। सिंगल हो? ओ भाई तुम देख रहे हो भाई सिंगल है ये लड़की। हाँ तो ये तो अच्छी बात। आपको कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना कभी भी? नहीं। बुरा लगा सुन के। वैसे और आप क्या क्या करते हो, मतलब थोड़ा अपने बारे में बताओगे? मैं एक्चुअली गूगल का CEO हूँ। वो तो आपने बता दिया। हाँ। बट सर आपके पास क्या क्या है? मेरे पास एक मेरे पास 10 बंगलो है और 3 गाड़ियां हैं, वो भी बहुत ज्यादा तगड़ी वाली। उसमें से एक फरारी है, एक लैम्बोर्गिनी है, सारी अलग अलग मॉडल्स की हैं वो मेरे पास। और मेरे को वैसे बहुत ज्यादा शौक वैसे गाड़ियों का ही है, बाइक्स का इतना शौक नहीं है। हाँ एक प्राइवेट जेट है मेरे पास। बाकी मुझे फोन्स का भी बहुत शौक है, गैजेट्स का बहुत शौक है, तो मैंने रोबोट्स मंगा रखे हैं बाहर से, तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे रोबोट्स। अच्छा। हाँ मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। Oh my God. तो वैसे मुझे काफी देर हो गई है यहाँ पे, तो मैं चलता हूँ ठीक है। मैं जरूर आऊंगा। बट आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? वो एक्चुअली मेरे को मुझे लग रहा है कि मेरा जो जेट है शायद लेने आ गया होगा, तो मैं सीधा घर पे जाके आपको लेने। हाँ हाँ यहाँ पे आ जाएगा, आगे जाके रनवे है वहाँ पे आ जाएगा एक। अच्छा प्राइवेट जेट है तो कहीं पे भी हम लैंड कर सकते हैं। फिर आप कब आओगे मुझसे मिलने? आप बताओ कब आए? आप कभी भी आ सकते हो, अपना ही घर है समझिए इसे। ओह और आपको किसी होटल में रहने की भी जरूरत नहीं, यहीं पे स्टे कर सकते हैं। ओह अच्छा थैंक यू। अच्छा सुनो जाने से पहले यार आपको मेरे साथ डिनर करने आओगे? हाँ जरूर आऊंगा। आपने बोला मैं जरूर आऊंगा। ठीक है चलते हैं। ओके बाय निधि। बाय थैंक यू। जी एच के भाई क्या हुआ तुम सैड क्यों होगा? हेलो अरे क्या हुआ भाई? मुझे रोना आ रहा है बहुत ज्यादा। अरे क्या हो गया? मैंने कहा था पगला टैग तुम सही थे पगला टैग, ये क्या कर दिया मैंने? इससे बदला ले। तू क्या कहता है इससे बदला लेना चाहिए? अब देख तूने उस लड़की के लिए मेरे को धोखा दिया था। मैंने धोखा थोड़ी दिया था। हाँ चल धोखा दिया है कुछ भी दिया, उसको मैं धोखा ही बोलूंगा। मेरे हिसाब से तो वो धोखा ही था, समझ रहा है? ठीक है वो बहुत तगड़े एक जाल में फंसाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसने मुझको रात पे डिनर के लिए बुलाया है, तो डिनर पे जाता हूँ, इसको प्रपोज मारूंगा और उसको एक गिफ्ट देने के चक्कर में इसको मैं एक घर पे ले जाऊंगा और वहां पे एक बहुत तगड़ा इसके लिए सरप्राइज रखेंगे। पता तैयार हो तू? ठीक है मैं रेडी हूँ।
चल ठीक है, रात तो ना इंतजार करते हैं थोड़ी देर। आजा, मेरे ये मेरा घर है वहाँ पे, उसको पता नहीं है कि मेरा घर कहाँ पर है, जल्दी से आजा। वो देख रहा है छोटा सा झुपड़ी, वो मेरा घर है। उसको मैं बहुत ज्यादा वहाँ पे फेंक फेंक के आ गया कि मेरा प्राइवेट जेट आ रहा है और ये आ रहा है। भाई वो सच मान गई भाई साहब। मैंने सब सुना, सुन के इतना दर्द भी हुआ। समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। देख मुझे भी वही पेन हुआ था जो पिछले बारी तेरे को हुआ। अब यहाँ पे यार रात का इंतजार करते हैं फटाफट। यार ये एचके फ्रूट्स तो बहुत ही गरीब है, इससे अच्छा तो यार मिस्टर रिच बहुत सही इंसान है, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत काफी रिच है ये। और अभी वो डिनर के लिए आने वाले ही होंगे तो मैं उनके लिए केक रख देती हूँ और यहाँ पे बैठ के उनका इंतजार करती हूँ। वो आने वाले ही होंगे, उन्हीं से बात करती हूँ, इन्हीं को पटा लेती हूँ। यार यहाँ पे आराम करते हुए बहुत देर हो गई यार। एचके भाई कहाँ गए? अरे एचके भाई तुम नीचे क्यों बैठे हो? अरे हाँ भाई, तूने एक ही पलंग लगा रखा है यहाँ पे, मैं क्या करूँ ब्रो? सॉरी भाई, मैं गरीब हूँ ना भाई, वैसे अमीर हूँ बस वैसे गरीब हूँ। हाँ ठीक है, अब चले। हाँ यार चलते, मेरे को डिनर पे बुलाया उसने, जल्दी से आ जा भाई। मैं छुप के सब देख लूंगा। तू अब तेरे को देख तेरा वैसे तो देख सब कुछ पता चल ही गया है वैसे, बट ये है कि हमें और अच्छे से बुद्धू बनाना है और उसको फंसाना है, रेड हैंडेड पकड़ना है। Yes, exactly. चल 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 चल, मैं यहीं चुप के देख रहा हूँ, वो अंदर जा, मैं यहाँ चुप जाता हूँ घर के पीछे। जा 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 जा। हेलो निधि, निधि लगता है वो आ गए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। अरे 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 अरे, आइए आइए, वेलकम वेलकम। हेलो निधि, कैसे हो? हेलो, मैं अच्छी हूँ। वो मैंने ना, मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। वो मैंने आपके घर के थोड़ा आगे जाके ही हेलीकॉप्टर उतारा, दिक्कत तो नहीं है ना कोई? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, अपना ही है सब कुछ। हाँ वही, क्योंकि मैंने सोचा कि पूछ लो कि कोई आ जाए तो दिक्कत हो जाए, हेलीकॉप्टर वो बड़ा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा घर से दूर उतार देता हूँ। कोई बात नहीं, आइए बैठिए, आपके लिए मैंने केक बनाया है। केक? ये वाला केक? जी। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खा लीजिए। अभी खा लूँ मैं? कोई नहीं, बाद में खा लेंगे, बातें कर लेते थोड़ी देर। आजो आजो, ठीक है बैठिए। तो निधि मुझे कुछ अपने बारे में बताओ कि तुम क्या करते हो? मैं कुछ नहीं, बस घूमती हूँ। ओ मतलब तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद है? मुझे भी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग पसंद है, तो चलेंगे यार। मैं तुम्हें यह एक काम करते हैं, परसों की डेट रखते हैं और फिर वहाँ पे हम चलते हैं, मॉरिशियस चलते हैं, क्या बोलते हो? डेट? नाइस, मॉरिशियस, वाओ। तो तुम्हें सही रहेगा ना, तुम पैकिंग वैकिंग अच्छे से करना, तो एक हफ्ते की ट्रिप रहेगी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं घूमने, बहुत मजा आने वाला है। तो देखो मुझे लग रहा है कि तुम मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो वैसे मैं डायरेक्ट बोलता नहीं हूँ बट मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ आज। क्या लाया हो? ये। Oh my God, how sweet. Will you be my girlfriend? Thank you for the flowers. क्या तुम girlfriend बनोगे? क्या? सच में? Yes, सच में। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत क्यूट लगी मेरे को। मैं भी तुम्हें कहने ही वाली थी कि I like you. वैसे देख रहे हो ये फंस गई जाल में। हाँ तो वैसे मुझे आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैंने आपको प्रपोज करा और आपने मेरे को एक्सेप्ट करा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अपने दिल की बात बताई। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे अंदर से कि मैंने आपने किसी फर्स्ट लड़की को प्रपोज करा और वो भी मतलब अपनी पसंद की। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और वैसे भी मेरी यार अभी ना कुछ मीटिंग है, अभी रात में मीटिंग के लिए बुला लिया है मेरे को, तो कि मैं मीटिंग के लिए जाने के लिए आई एम सो सॉरी कि मैं आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिता पाया। बट एक ना आप अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, ठीक है कोई बात नहीं। बट मैं आपके लिए कुछ एक गिफ्ट लाया था, मैं आपके लिए कैश लाया हूँ कुछ, आप इस कैश से कुछ भी खरीद लेना, आप गिफ्ट ले लेना। गिफ्ट नहीं ला पाया आपके लिए, आई एम सो सॉरी यार। थैंक यू। बाय बाय निधि। बाय बाय, आई लव यू। बाय बाय, ध्यान रखना। हां जी। अरे भाई एचके, हेलो। अरे भाई पगला टैग, ये तो बिल्कुल मतलब क्या ही बोलूं भाई, क्या हुआ क्या हुआ तेरे साथ? कुछ ऐसा हुआ था ना, ये थोड़ा मुझे देजा भूसा आ रहा है, सेम लग रहा है कुछ। Exactly. अब तेरे को पता चलेगा ना इसकी सच्चाई भाई, की सच्चाई क्या है। तो एक काम कर, मुझे ना लिटरली इतना मस्त प्लान आ रहा है, तू आ जा मेरे साथ जल्दी इसे सबक सिखाते हैं। चल 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 चल, मुझे लिटरली इतना मस्त प्लान आ रहा है भाई इसको फंसाने का। आजा यहाँ पे आसपास एक हम एक बनाते हैं ट्रैप और उसको, समझ रहे हो तू? समझ गया। भाई देख, सुबह होने का वेट करता हूँ, तब तक पूरा एक अच्छा से ट्रैप ट्रैप बना लेते हैं। ठीक है, ये घर परफेक्ट है। आजा, ये परफेक्ट है। हाँ यहाँ पे बनाते हैं। अच्छा रेडी। तो एच के, प्लान सक्सेसफुल करने के लिए मुझे उसको लाना पड़ेगा बहुत ध्यान से, कि उसको थोड़ा सा भी शक ना हो, समझ रहे हैं? ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना नीचे वाले रास्ते में जाके छुप जाता हूँ। ठीक। हाँ भाई बहुत सड़ी, हमने यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज बनाई है, ये ब्रो कोड ये ले। जल्दी लेकर आ तू उसे। मैं जा रहा हूँ। तो बस बहुत ज्यादा मजा आने वाला और मैं ला रहा हूँ उस निधि को भाई,
जो इतनी ज्यादा मनी माइंडेड है, अब एचके को पता चल चुका है कि वो सच में रियली मनी माइंडेड है, तो मैं उसको लेके आता हूँ और उसको एक प्यारा सा गिफ्ट देता हूँ। ओह मजा आ जाएगा। ओ वहाँ वही बैठी है, वही बैठी दिखे दिखे दिखे। हेलो निधि, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? अच्छी हूँ। आइए, आज आइए नहीं, आप आइए, आपके लिए एक गिफ्ट है वहाँ पे। मैं एक जो जेट था वहाँ पे तुम्हारे लिए एक बहुत तगड़ा सी चीज लाया हूँ मैं। क्या बात है, तुम्हारे लिए गिफ्ट है, आजो 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 आजो, मैं सब मेरे पीछे पीछे आऊँ। चलो, तुम विश्वास नहीं करोगे कि कितना ज्यादा प्यारा गिफ्ट है। क्या है ऐसा? आओ रुको रुको, आओ ना तुम्हें बता रहा हूँ मैं। तुम्हें वैसे रिंग्स तो पसंद है ना? बहुत। डायमंड की पसंद है या फिर गोल्ड की? डायमंड। डायमंड। आजो आजो आजो, अब तुम सोच लो क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? आजो 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 आजो, मैंने सोचा कि आज किसी और चीज में रख के मैं तुम्हें सरप्राइज दूं। आजो अंदर आजो। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आजो 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 आजो। आ गई। ये चश्मे गिफ्ट है। What? ये क्या हो गया मेरे साथ? अभी समझ आएगा थोड़ी देर में क्या हुआ है। हेंजी निधि, आप बताओ कैसा लगा? कैसा लगा मैडम? हाँ, हम दोनों, हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मिस्टर रिच हूँ, बोलो बोलो बोलो। मिस्टर रिच, समझ आया? तुम मिस्टर रिच? आपका पर्दा फाश हो चुका है। ओह नो, अब पता चला तुम्हें? भाई मतलब इतने ज्यादा मनी माइंडेड, मेरे दोस्त को फंसा लिया अपने प्यार में। तुम मतलब किसी को भी, कोई भी तुम अमीर बंदा देखते हो और उसको फंसा लेते हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम दोनों माफ कर दो। पगलटा, ये माफी मांग रही है पगलटा। ये चीज मुझे मेरा आर्मर दियो, तेरे पास है ना आर्मर? तेरे लिए मैं आर्मर भी लेके आया। ले, हाय 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 हाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लावा बकेट है तेरे पास? प्लीज मुझे बचा लो। कौन बचाएगा तेरे को? तूने मुझे इतना ज्यादा परेशान करा इसके साथ बोलकर, मुझे मार रही थी उस दिन। तू हो जाए पगला टैक, हो जाए पगला टैक, उससे गलती हो गई बहुत बड़ी। नहीं 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 नहीं, तो हो गई ना गलती। हाँ भाई निधि, क्या हो गया? हाँ बोल। 1 2 3। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दे, तुम्हें माफ कर दे। हम ऐसे कैसे माफ कर दे? माफ कर दो यार, दोनों के दोनों प्लीज। नहीं, तुम्हें माफ कभी नहीं करेंगे हम। प्लीज, यही होगा अब यहाँ पे, यही होता रहेगा। हम तुम्हारे सारे हार्ट छीनते रहेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, माफ कर दो प्लीज। बिल्कुल नहीं। यस, मेरे पास आ गया हार्ट। यस यस यस, बहुत ही बढ़िया। प्लीज मुझे माफ कर दो। काम करते हैं, इसे गलती हो गई मुझसे। यहीं पे ऐसी मारते रहते हैं, इसको तभी समझ आएगा। अरे बाय, चली गई बाय, हो गया, बैन हो गए सर्वर से। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। चल बाहर चलते हैं, आजा चल, आजा आजा आजा। ये हमारा अच्छा प्लान था, नाइस प्लान ब्रो। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई, मजा आ गया यार निधि को मार के। फुल मजा आया भाई, पगला टैग। खुशी जॉइन, खुशी निधि को बताया ना, अब मेरी बारी है। पहले मेरे को मौका मिलना चाहिए, पहले मेरे को मौका मिलना चाहिए भाई। अरे पानी गिर गया तेरी वजह से, रुक जा, मेरी वजह से गिरा। चल बे चल बे, नहीं मेरी बारी, पगला टैग मेरी बारी, पगला टैग मेरी बारी।